यह बच्चों का फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सारिका वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता। तो ये बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा पसंद है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें पास्ता को बॉईल करना है। तो इसे बॉईल करने के लिए हम एक बर्तन में रखेंगे लगभग 3 से 4 कप पानी, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ऑयल, और इसको मिक्स कर लेंगे और पानी को बॉईल होने देंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर हम डालेंगे पास्ता। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप पास्ता। तो मैंने इस तरह का पास्ता यूज किया है, आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं। और इसको मिक्स कर दीजिए फिर, और इसे हमें बॉईल करना है। तो लगभग 80% हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बॉईल हो चुका है। हमें बिल्कुल ऐसा बॉईल नहीं करना है कि ये पास्ता बिल्कुल टूट जाए, तो हल्की सी इसमें कसर रहनी चाहिए, इतना हम इसको बॉईल करेंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और बस ये बॉईल हो चुका है, तो चलिए इसको छान लेते हैं। तो एक छन्नी में हम इसको इस तरह से छान लेंगे। तो हमने इसको छान लिया है, आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम गैस पे रखेंगे एक पैन, और इसमें हम डालेंगे लगभग 2 टीस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो हम यहाँ डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। ये मैं डाल रही हूँ लगभग 1 टेबल स्पून, और इसको हमें भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, तो हम यहाँ डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई, और इसको भी हमें थोड़ा सा भूनना है। बस 2-3 मिनट हम इसको भून लेंगे, हमें यहाँ पे इसको ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही ये प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट होगी, हम यहाँ डाल देंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ लगभग आधी कैप्सिकम बारीक कटी हुई, और लगभग आधी ही मैं यहाँ डाल रही हूँ गाजर, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। और लगभग आधा कप या 1 मुट्ठी आप डाल दीजिए स्वीट कॉर्न, और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है हमें। यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें लगभग 1/2 चम्मच नमक, और 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। इन सबको डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है, और लगभग 4 से 5 मिनट हम इसको पका लेंगे। हमें इसको बिल्कुल गलाना नहीं है, इसमें हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। तो देखिए ये हो गया है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसी पैन में हम लेंगे 3 चम्मच मैदा। तो देखिए जिससे हम खाना खाते हैं, वही चम्मच मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो ये 3 चम्मच है लगभग 1 टेबल स्पून, तो इतना हमें मैदा लेना है। और जितनी हम मैदा लेंगे, उतना ही हमें लेना है बटर। तो यहाँ पर 3 चम्मच ही मैंने बटर लिया है, और इसको अब हमें अच्छे से भूनना है। इसको भूनते वक्त आप गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें, और इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनें। जैसे ही अच्छे से भुनेगा, तो इसका कलर देख के ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसमें से खुशबू भी आएगी। तो बस इसको भूनना है, और ये लगभग भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप मिल्क। तो 1 कप पास्ता के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप मिल्क, और इसको भी हमें लगातार हिलाना है बिल्कुल अच्छे से। वैसे आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए, और बस इसको पकने दीजिए। जैसे जैसे ये थोड़ा सा पकेगा, तो ये अपने आप ही थिक होने लगेगा। और ये देखिए कुछ मिनट बाद ही आप देखेंगे कि ये इस तरह से थिक हो गया है। तो देखिए यहाँ पे स्पून पे आप इस तरह से चेक करके देख सकते हैं कि इस पे आपको एक कोटिंग नज़र आएगी। जब ये इतना थिक हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने वेजिटेबल्स अभी फ्राई करके रखी थी, और इसको मिक्स कर लेंगे। और बस यहाँ पर ही हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता। पास्ता भी ऐड कर दीजिए, और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए सॉस से काफ़ी अच्छे से पास्ता कोट हो गया है। इसके ऊपर अब हम डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ मिक्स हर्ब, और 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पर काली मिर्च पाउडर। इन सभी को डालने के बाद अच्छे से इसको फिर से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद हम इसमें एक चीज़ और डालने वाले हैं, हम इसमें डालेंगे चीज़। चीज़ तो वैसे ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो यहाँ मैं अमूल का ये प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसको ग्रेट करके हम डालेंगे, और बस इसको मिक्स कर देंगे। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी वाइट सॉस पास्ता। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।